हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि एंगल मेजरमेंट के कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। हमने तीन सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम रेडियन मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसकी दो तीन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रेडियन इज ए कॉन्स्टेंट एंगल। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे वन रेडियन इज ए कॉन्स्टेंट एंगल, तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट बनने का मतलब क्या है? जैसे कई बच्चे सोचते होंगे कि सर ने आर रेडियस का सर्कल लिया था, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आ रही थी वन रेडियन। अगर मान लो मैं सर्कल की रेडियस 2r ले लू, या फिर मैं सर्कल की रेडियस आर बाई 2 ले लू, 5 सेंटीमीटर ले लूं, 10 सेंटीमीटर ले लूं, तो क्या 1 रेडियन की डेफिनेशन चेंज होगी? नहीं, 1 रेडियन की डेफिनेशन उसके हिसाब से भी चेंज नहीं होगी। आइए मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों होगा। देखो, अगर मान लो आपने कुछ इस तरीके से सर्कल लिया है, ये सर्कल मान लो r रेडियस का है, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। अगर मान लो आप 1 रेडियन को डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? जब रेडियस r हो और ये वाली आर्क की लेंथ भी r हो, तब ये जो एंगल आएगा वो आएगा 1 रेडियन। अब अगर आप कह रहे हो कि नहीं, मैं सर्कल इससे थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, मान लो आपने सर्कल इससे बड़ा ले लिया, आपने सेंटर से रखा, एक बार चीजों को इजीली समझने के लिए। अब भी अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो इस जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 2r है ना, आर प्लस आर 2r होगी। अब अगर आप मेजर करोगे किसी फिजिकल मेजरमेंट सिस्टम से, जैसे टेप से या किसी भी सर्कुलर मेजर आप करोगे आपकी लेंथ, अगर आप यही एंगल रखना चाह रहे हो, तो ये वाली जो आपकी लेंथ है, ये वाली जो आर लेंथ है, वो 2r आएगी आएगी, वो 2r आएगी आएगी। तो आप देख सकते हो कि जब ये 2r था रेडियस 2r, तो ये एंगल 1 रेडियन। जब ये था, जब रेडियस r थी, तब भी एंगल 1 रेडियन। तो सर्कल की रेडियस घटाने बढ़ाने से एंगल पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल का रोटेशन, एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना अमाउंट ऑफ घूम रहे हो, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये मतलब है फर्स्ट प्रॉपर्टी का कि रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। दूसरी चीज रिलेशन ऑफ रेडियंस एंड रियल नंबर्स, रेडियंस एंड रियल नंबर्स। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे पता नहीं रेडियन है अलग से चीज है, पाई या इसके ऊपर सी लिख दिया, तो इनका रियल नंबर से कुछ लेना देना है या नहीं? डेफिनेटली रेडियंस का रियल नंबर से लेना देना है। आप मान लो आपके पास इस तरीके की कोई स्ट्रेट रोप है, कोई रस्सी है, आप उस रस्सी का कुछ पार्ट फोल्ड करके उसको सर्कल के फॉर्म में बना देते हैं। आपने उस रोप का कुछ पार्ट फोल्ड करके सर्कल के फॉर्म में बना दिया। यहां से मैं आपको इजीली समझा देता हूं कि रेडियंस का रियल नंबर से क्या रिलेशन है। देखो, मान लो ये सर्कल का सेंटर है एंड ये वाली वैल्यू है आर, ये वाली वैल्यू है आर। अब आप ध्यान से देखो कि ये तो नंबर लाइन रोप की कुछ तो लेंथ होगी ना, आप इसको नंबर लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जब भी आर कोई रियल नंबर रेडियस है, वो तो नंबर है, रियल नंबर है। अब सपोज ये वाली लेंथ आर 2r, आपने यहां पे ऐसे कट लगा लिया आर 2r 3r, यहां पे माइनस आर माइनस 2r माइनस 3r है, इस तरीके से ना, यहां पे वाली वैल्यू आर है। अगर आप इस वाले पार्ट को यहां पे ला देते हैं, ये रोप को कट करके आप यहां पे अटैच कर देते हैं, और इसको आप इससे अटैच करेंगे सर्कल के सेंटर से, जब आप ज्वाइन करेंगे ये वाली आर आर रेडियस भी आर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 1 रेडियन था ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। अब आप खुद सोचो, जो 1 रेडियन वाला एंगल आया है वो दो रियल नंबर के किसी ना किसी कॉम्बिनेशन से आया है। ये भी आर, जो ये वाला पार्ट था वो भी रियल नंबर, रेडियस तो डेफिनेटली रियल नंबर है, तो रियल नंबर अपॉन रियल नंबर तो डेफिनेटली रियल नंबर होगा। इस तरीके से आप सोच सकते हो कि हाँ, रेडियन और रियल नंबर्स आपस में जुड़े हुए हैं, रेडियन भी एक रियल नंबर की तरह ही आपका
मैथ्स में काम करेगा। इसके लिए कोई अलग से दुनिया में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, जैसे आप रियल नंबर्स को ट्रीट करते हो वैसे आप रेडियंस मैनुअल को ट्रीट करोगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें आपके रेडियंस में भी वैसे ही चलेगी जैसे आपकी एंगल में या फिर रियल नंबर्स में चलती आएगी। ये वाली दोनों प्रॉपर्टी आप नोट करो। थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ी सी इलस्ट्रेटिव है, उसको आप प्रूफ भी करेंगे हम। उसके साथ साथ थर्ड प्रॉपर्टी के ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, एंगल एंड रेडियस। इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन होती है या नहीं है? होती है तो वो क्या होती है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। आपने सर्कल बनाया, सर्कल के सेंटर को आप ओ नाम दे दीजिए। ये वाला पॉइंट है ए, आपका OA क्या हो गया? इनिशियल रे। आपने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया। इस बार हम 180 की जगह क्या ले रहे हैं? थीटा एंगल। सर्कल की रेडियस आर है, अब यहाँ पे एंगल थीटा है, रेडियस आर है। मान लो इस आर्क लेंथ AB, जो आर्क लेंथ है ना उसकी वैल्यू होगी एल, उसकी लेंथ होगी एल। हमको क्या करना है, आर थीटा और एल के बीच में कुछ ना कुछ रेशो होगा, कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होगी, कोई ना कोई रिलेशन होगी, वो निकालनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बी से थोड़ा सा फर्दर और रोटेट हो जाते हैं सी, और इस वाले एंगल को मैं बोल देता हूं ये है 180। देखो अब अगर मैं 180 यहां से रोटेट हुआ हूं तो ये वाली लेंथ रेडियस है आर, ये भी आर है, तो सी भी जो आर होगी वो भी आर होगी। 180 की डेफिनेशन ही थी, जितनी सर्कल की रेडियस हो उतनी ही अगर आर्क लेंथ है तो वो 180 एंगल होगा। अब देखो ये वाली चीज तो शायद आप अग्री करेंगे कि जितनी सर्कल की आर्क होगी वो उतना ही ज्यादा एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा। ध्यान से देखो, मान लो ये सर्कल है, आपने आर्क ले ली यहां से यहां तक, तो वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी ये वाला? अगर आर्क लेंथ आपने बड़ी ले ली, आर्क लेंथ आपने ले ली यहां से यहां तक, तो ये एंगल भी ज्यादा होगा ना, तो जितनी बड़ी आपकी आर्क होगी उतना सेंटर पे ज्यादा एंगल आएगा, है ना? ये वाली चीज आप अग्री कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है इलस्ट्रेटिव। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो सेंटर पे एंगल है वो आर्क के प्रोपोर्शन में होगा, सेंटर पे जो एंगल है वो आर्क के प्रोपोर्शन में होगा। अब आप इस रिलेशन से एक आप ये वाला पार्ट लेंगे सेक्टर OAB, एक आप ये वाला सेक्टर लेंगे OBC। इस तरीके से आप डिफाइन करो या ड्राइव करने की कोशिश करो कि कैसे हम आर एल और थीटा के बीच में रिलेशन बना सकते हैं, आर एल और थीटा के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सी चीजें मैं आपको बता देता हूं। जब अगर आपकी रेडियस भी सेम है, आपकी रेडियस भी आर है, आपकी आर्क लेंथ भी आर है, तो एंगल कितना आ रहा है 1, एंगल कितना आ रहा है 180। जब आप आर्क बढ़ा दोगे, आर्क की लेंथ अगर आपने बढ़ा दी, रेडियस तो तब भी कांस्टेंट है, रेडियस तो तब भी सेम है, लेकिन आपका एंगल बढ़ जाएगा, इसका मतलब जो ये एंगल है, थीटा, वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जितनी आर्क की लेंथ होगी उतना ही एंगल ज्यादा आएगा, अब लेकिन थीटा की वैल्यू 1 थी जब ये आर्क लेंथ आर थी और यहां पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा होगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप कांस्टेंट लेते हो, है ना? तो 1 = kr, जब थीटा की वैल्यू 180 थी तो आर्क लेंथ आर थी, तो यहां पे k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/r, k की वैल्यू आ गई 1/r। इसका मतलब आपका थीटा कितना आ गया, L/r, आपका थीटा आ गया L/r। देखो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू L, इसका मतलब जब आप प्रोपोर्शनलिटी को
इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कुछ के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन आएगा, ये के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। लेकिन आपको पता है थीटा की वैल्यू जब 1 है तो एल की वैल्यू आर होती है, तो यहाँ पे के की वैल्यू होगी 1/r। अब के तो कांस्टेंट है तो हर जगह वही रहेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 1/r है, तो एल बाई आर। ये वाला रिलेशन आप नोट कर लो, ये रिलेशन ट्रू है, कुछ भी रेडियस हो कोई भी एंगल हो तो उसके हिसाब से आप आर्क लेंथ निकाल सकते हैं, कोई भी आर्क लेंथ हो कोई भी रेडियस हो उसके हिसाब से आप थीटा निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनने वाली समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो थीटा आपका आएगा वो आपका रेडियन की टर्म्स में आएगा। अगर आप इसको गलती से डिग्री की टर्म्स में ले लिया तो आपको गड़बड़ हो जाएगी, आपका आंसर सही नहीं आएगा। ये बस चीज आप नोट कर लीजिए, ये होती है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंगल एंड रेडियस। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है आपके एलिमेंट्स बुक का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट चलो मैं लिख भी देता हूं आपको। जो क्वेश्चन का मेन मेन कंटेंट है वो मैं यहां पे लिखूंगा, बाकी स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिए। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई एक ट्रायंगल है उसकी जो तीनों एंगल है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मान लो ट्रायंगल आपका ये है ए बी सी, है ना, यही इसके एंगल के नाम होंगे एंगल ए एंगल बी एंगल सी। क्या बोला हुआ है कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। एपी का क्या मतलब होता है ये आपने डेफिनेटली 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। द नंबर ऑफ डिग्रीज, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, जो एंगल सबसे कम है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज 2, द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 60:5। इसका क्या मतलब है कि जो ट्रायंगल का सबसे छोटा एंगल है, जो ट्रायंगल का सबसे छोटा एंगल है डिग्रीज में, जो ट्रायंगल का सबसे छोटा एंगल है डिग्रीज में डिवाइडेड बाई ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल रेडियन में, उनका रेशियो है 60/5। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, आपको सारे एंगल्स बताने हैं डिग्रीज में। देखो एक बार मैं आपको क्वेश्चन फिर से बता देता हूं। जैसे मान लो एबीसी तीन एंगल है वो एपी में है ना। सबसे पहली चीज, अगर तीन एंगल एपी में है तो तीन टर्म्स आपको एपी में इस तरीके सोचनी होती है। मान लो मैंने एंगल ए को ले लिया ए माइनस बी, एंगल बी को ले लिया ए, एंगल सी को ले लिया ए प्लस डी। ऐसा मैंने क्यों लिया, ध्यान से देखो, इसमें से ये घटाओ तो कितना आएगा डी, इसमें से ये घटाओ तो भी कितना आएगा डी। अब तीन टर्म्स के बीच में कांस्टेंट, अगर आपका कॉमन डिफरेंस होगा कांस्टेंट हो तो ही टर्म्स एपी में होती है ना, तो ये इनका कॉमन डिफरेंस डी है, ये एपी में है। अब ए डी सारे चीज पॉजिटिव है तो सबसे छोटा एंगल ये वाला होगा, सबसे बड़ा ये वाला होगा, बीच वाला एंगल ये होगा। खास बात क्या है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब इन तीनों का सम 180 डिग्री रहेगा। तीनों को अगर आप ऐड करेंगे a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री ना, a की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। आपको एक एंगल पता चल गया, सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा एंगल कौन सा है a माइनस बी, सबसे छोटा एंगल आपका है 60 माइनस डी, डिग्री में रहना इसको, डिवाइडेड बाय सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा एंगल है c a प्लस डी। आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 60 प्लस डी आपका डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है ना, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना, इसको डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ये क्वेश्चन में केवल था कि सबसे छोटा एंगल डिग्रीज में
डिवाइडेड बाय सबसे बड़ा एंगल रेडियन में, उनका रेशियो है 60 अपॉन पाई। तो सबसे छोटा एंगल हमने डिग्री में छोड़ दिया, सबसे बड़े एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करके रेशियो उसका 60 अपॉन पाई के इक्वल रख दिया। अब ये वाला 180 मल्टीप्लाई के ऊपर आ जाएगा। अब इसको क्या हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, पाई से आपका पाई कैंसिल होगा, 60 से यहां पे कैंसिल हो जाएगा 3 पे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 60 + d = 3 से मल्टीप्लाई होगा 180 - 3d, है ना, ये इधर आ गया 4d = 180 - 60 120, d की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री, d आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो a माइनस d कितना हो जाएगा, 60 - 30 = 30, एंगल a = 30 डिग्री, एंगल b तो आपका a था 60 डिग्री, एंगल c कितना हो जाएगा 30 + 60 = 90 डिग्री, है ना, तीनों एंगल आपको डिग्री में इजीली पता चल गए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, एक बार नोट कर लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक काउ इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप, इस टाइप का क्वेश्चन आपके 10th क्लास में भी आता था, सेक्टर एरिया वाले यूनिट में। एक गाय है वो एक पोस्ट पे एक रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है, तो मान लो पोस्ट आपका कुछ इस तरीके से, पोस्ट इस तरीके से होगा, ये रस्सी है, गाय यहाँ पे इससे बंधी हुई है ना, गाय इससे बंधी हुई है, या कोई भी एनिमल ले सकते हैं, ये आपकी काउ वो इससे बंधी हुई है। अब वो क्या है, रस्सी के इस पोल से बंधे हुए सर्कुलर एंगल में मूव करती है, सर्कुलर शेप में वो मूव करती है। खास बात क्या है, रस्सी को उसको सीधा रखना है, क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द काउ मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में वो मूव करती है, कीपिंग द रोप ऑलवेज टाइट, रस्सी को हमेशा वो खींचा हुआ रखती है, तो सर्कल की जो रेडियस है वो हमेशा फिक्स रहेगी ना, रस्सी खींची रहेगी तो वो एक ही सर्कल में घूम पाएगी फिक्स रेडियस की। And describe 44 meters when it traces out 72 degree at the center. ये सर्कल का सेंटर है क्योंकि ये पोस्ट है, काउ ने इसके अराउंड मूव किया और उसने 44 मीटर मूव कर लिया, साथ साथ उस टाइम पे उसने 72 डिग्री सेंटर के ऊपर सबटेंड किया है। Find the length of the rope. क्वेश्चन को आप इस तरीके सोचो, मैं एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। एक यहाँ पे पोल है, उस पे रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी से एक साइड गाय बंधी हुई है, एक साइड उस पोल पे बंधा हुआ है ना, वो गाय क्या है, पोल के अराउंड सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करती है, वो सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमती है। खास बात क्या है, वो गाय 44 मीटर का पाथ घूम लेती है, जब वो 44 मीटर का पाथ घूमती है तो उसने सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे 72 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है। आपको रस्सी की लेंथ बतानी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, रोप क्या है, रोप ये वाली चीज है ना, रोप आपकी ये वाली चीज है रोप। अब ध्यान से देखो, ये वाली रिलेशन हमने अभी अभी करी है कि आर्क की लेंथ पता हो, रेडियस हो और एंगल हो, इनके बीच में एक रिलेशन होती है, तीन में से कोई भी दो चीज आपको पता है तीसरी आप निकाल सकते हो, हमको आर्क की लेंथ और एंगल पता है। लेकिन खास बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि इस बार एंगल आपको डिग्री में दे रखा है, मैंने आपको खास बताया था कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये वाली रिलेशन में थीटा जो है रेडियन में होता है, तो हम क्या करते हैं 72 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 72 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हमको आता है, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई करना होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 36 पे आएगा 2π/5, है ना, तो ये आ गया हमारा थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2π/5, तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, 2π/5 = l, l मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय, ये है आपकी रेडियस, मतलब
रस्सी की लंबाई इसको आप आर लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 44 इंटू 5 अपॉन 2 पाई। पाई की वैल्यू हम कितने लेते हैं 22/7, वो 7 मल्टीप्लाई के ऊपर आ जाएगा। अब अगर कोई चीज कैंसिल हो रही तो आप कैंसिल कर दीजिए, 22 इंटू 2 44 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा 35 मीटर। यहाँ पे मीटर कैसे आया क्योंकि ये वाला डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखा है। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी आ गई 35 मीटर। रेडियस का क्या मतलब है, उस रस्सी की लंबाई जिससे वो गाय वहां पे बंधी हुई थी, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ इन द टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। आपको उन सर्कल की रेडियस का रेशियो बताना है। देखो दो सर्कल है, मान लो एक छोटा सर्कल है एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल है, ठीक है। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, मान लो मैंने दोनों सर्कल के अंदर एल लेंथ की आर्क ले ली है ना, एल लेंथ की आर्क ले ली। सर्कल नंबर वन के अंदर जो एल लेंथ की आर्क है वो 60 डिग्री बना रही है ना, वो 60 डिग्री बना रही है, और सर्कल नंबर टू के अंदर सेम एल लेंथ की आर्क मान लो 75 डिग्री बना रही है ना, मान लो 75 डिग्री बना रही है। क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, इनकी इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो निकालना है। एक की रेडियस आप आर वन मान लो, दूसरे की रेडियस आर टू मान लो। अब आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, इफ इन द टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों लेंथ कितनी है एल एल है, सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर। एक सर्कल में सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल है, दूसरे सर्कल में सेंटर के ऊपर 75 डिग्री 75 डिग्री का एंगल है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। हमने आर वन एंड आर टू मान लिया है, हमको आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू बतानी है। आपको आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू बतानी है। एक बार वीडियो को पॉज करो, सोचो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपने सोच लिया है तो आइए देखते हैं। देखो पहला वाला जो सर्कल है इसके अंदर हमको तीनों चीज पता है, आर थीटा और एल, है ना, तीनों चीज पता है। आर एल और थीटा के बीच में रिलेशन बना लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। लेकिन खास बात क्या है, यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करोगे, इंटू पाई अपॉन 180, 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ये हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू है एल, और ये है आपका आर, है ना। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन को मैं इस साइड लिख देता हूँ, ये हो जाएगा पाई बाई थ्री, एल की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई थ्री इंटू आर वन, है ना, एल की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई थ्री इंटू आर वन। आई होप आपको ये वाली चीज यहाँ पे समझ आती होगी, इक्वेशन नंबर वन। अच्छा यही रिजल्ट एल इज इक्वल टू आर थीटा यहाँ पे लगाते हैं, तो ये थीटा 75 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करा कैसे, पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू एल अपॉन आर टू, एल अपॉन आर टू। इसको यहां पे हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 15 ये हो जाएगा आपका 15 पे कैंसिल होगा, तो एल की वैल्यू आएगी यहां पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 pi/12 इंटू आर टू, ये आपकी क्वेश्चन नंबर टू जो यहां से आई है, इस सर्कल से आई क्वेश्चन नंबर टू, इस सर्कल से आई क्वेश्चन नंबर वन। अब देखो दोनों इक्वेशन का एलएचएस एल है, अगर दो इक्वेशन का एलएचएस बराबर है तो उनका आरएचएस भी बराबर होगा, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी होगा, ये दोनों बराबर हो गए ना, एल बाई थ्री आर वन सॉरी पाई बाई थ्री आर वन इज इक्वल टू 5 pi/12 आर टू, है ना। इन दोनों को यूज करके ये वाली इक्वेशन आ गई। आपको निकालना कितना था, आर वन अपॉन आर टू, तो इस आर टू को इसके नीचे ले लिए, आर वन अपॉन आर टू, ये आर टू यहाँ पे ले आया,
5 पाई बाय 12 एज इट इज और ये वाली चीज 5 बाय 3 इधर नीचे आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल 3 से आपका 4 कैंसिल यहां पे रेशियो आ गया 5 अपॉन 4 तो ये आ गया आपको 5 अपॉन 4 आंसर 5 अपॉन 4 आंसर। अच्छा दूसरा तरीका है इसको समझने के लिए देखो ध्यान से आपकी रिलेशन क्या होती है आपकी रिलेशन होती है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है ना थीटा जो है आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ध्यान से देखो यहां पे एल तो कांस्टेंट है दोनों थीटा का रेशियो कितना है 60 अपॉन 75 मतलब अगर आप 15 से कैंसिल करोगे तो 4:5 अब L तो कांस्टेंट है लेकिन रेडियस जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल का रेशियो अगर 4:5 है तो रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा उसका उल्टा 5:4 ये आपका आंसर एकदम 10 सेकंड का सवाल था लेकिन मैं मुझे आपको प्रॉपर तरीके से भी कराना था इसलिए मैं करा दिया शॉर्टकट भी आप नोट कर लो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है इसका मतलब थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अब दोनों थीटा का रेशियो कितना आ रहा है थीटा 1 अपॉन थीटा 2 का रेशियो आ रहा है 4:5 तो रेडियस का रेशियो कितना आ जाएगा 5:4 तो ये आपका आंसर 5:4 है ना सिंपल सा क्वेश्चन है नोट कर लीजिए आपके राइट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आर एंड ऑफ ए क्लॉक एट 7:20 एएम आपकी जो घड़ी होती है उसके अंदर यूजुअली तीन हैंड्स होती है मिनट एंड आर एंड एंड सेकंड वाली हैंड यहां पे सेकंड वाली हैंड का कोई इशू नहीं है कोई मुद्दा नहीं है क्वेश्चन में दे रखा है कि जब 7:20 होंगे घड़ी में तो आवर वाली जो हैंड है घंटे वाली जो सुई है एंड जो मिनट वाली सुई है दोनों के बीच में कितना एंगल होगा एक बार हम सिंपल इलस्ट्रेशन लेते हैं एक बार एक छोटी सी हैंड बना लेते हैं छोटी सी हम वॉच बना लेते हैं यहाँ पे आपका 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना कुछ इस तरीके से आपकी घड़ी होती है अब आप एक बार आइडिया लो 7:20 आपकी आर एंड कुछ इस तरीके से होती 7 के आसपास और 20 मतलब 5 10 15 20 आपकी मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 20 पे होगी देखो ध्यान से आपको इन दोनों के बीच में एंगल बताना है आपको इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल कितना होगा ये बताना है अगर आप जल्दीबाजी करोगे देखो एक तो इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका कुछ इस तरीके से पूरे सर्कल के 12 पार्ट बने हुए हैं है ना 12 हिस्से बने हुए हैं पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का एक हिस्सा कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 12 30 डिग्री इसका मतलब एक हिस्सा अगर आप किसी वाले हिस्से की बात करोगे तो 30 डिग्री का हो जाएगा ना एक हिस्सा 30 डिग्री के 12 से 360 डिग्री तो 7 और 4 और 7 के बीच में कितने तीन हिस्से आएंगे तीन हिस्से मतलब 13 × 3 90 डिग्री आप टिक कराओगे 90 डिग्री लेकिन आप पूरा नहीं सोच रहे हो क्वेश्चन देखो जब 7 बजेंगे जब एग्जैक्ट 7 बजेंगे तो जो आवर वाली सुई है घंटे वाली जो सुई है वो एग्जैक्ट 7 पे होगी एंड एग्जैक्ट 12 पे होगी एग्जैक्ट 12 पे होगी लेकिन उसके बाद जैसे मिनट वाली सुई 20 मिनट ट्रैवल करेगी तो ये भी तो थोड़ा आगे जाएगी है ना ये भी तो थोड़ा आगे जाएगी इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री से कुछ ज्यादा होगा क्योंकि 7 वाली सुई एग्जैक्ट 7 पे नहीं होगी उससे थोड़ा आगे होगी है ना थोड़ा 8 की तरफ चली गई होगी इसका मतलब इनके बीच में एंगल एग्जैक्ट 19 होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा अब कितना ज्यादा होगा ये बच्चे ध्यान से देखो जो आवर वाली सुई है वो एक घंटे में 360 डिग्री घूमती है सॉरी 12 घंटे में वो पूरा सर्कल कंप्लीट करती है आवर वाली सुई की बात कर रहा हूं आवर वाली एंड की बात कर रहा हूं 12 घंटे में 360 डिग्री है ना 12 घंटे में पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है अब एक घंटे में वो कितना चलेगी एक घंटे में वो चलेगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 मतलब 30 डिग्री है ना जो आपकी आवर वाली एंड है वो एक घंटे में 30 डिग्री चलेगी अच्छा एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट
60 मिनट में वो 30 डिग्री चलेगी तो वो 20 मिनट में कितना चलेगी, 60 मिनट में अगर वो 30 डिग्री चलेगी, एक घंटे मतलब 60 मिनट ही होता है, 60 मिनट में अगर 30 डिग्री चलेगी तो 20 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 20 मिनट में चलेगी 10 डिग्री, 20 मिनट में 10 डिग्री और चलेगी। जब अगर एग्जैक्ट 7 पे होती, ये तो एग्जैक्ट 4 पे है तो इनके बीच में अंतर था 90 डिग्री, लेकिन जो घंटे वाले सूर्य जो 7 से 10 डिग्री और आगे चली गई है, 20 मिनट में 10 डिग्री और आगे चली जाएगी, तो इसका मतलब 90 डिग्री तो पहले था, 10 डिग्री और चली गई। अब इनके बीच में कितना एंगल आएगा, अब इनके बीच में एंगल आएगा 100 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर। आप एक बार इस क्वेश्चन को लॉजिकली फिर से सोचो क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली आपके किसी ना किसी एप्टीट्यूड एग्जाम्स में आते रहते हैं। इसका ट्रिग्नोमेट्री से कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन तब भी आप इसको कॉमन सेंस एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन को सोच के कर सकते हो, है ना। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, आप इसको एक बार फिर से समझो एंड नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट्स, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है, आर इन द रेशियो 1:2:3। कोई एक ट्राइंगल है उसके जो तीन एंगल है वो 1:2:3 रेशियो में है। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियस, आपको वो तीनों एंगल बताने हैं डिग्री टर्म्स में भी एंड रेडियन टर्म्स में। तो मान लो आपका इस तरीके का ट्राइंगल है ए बी सी। अब एंगल ए को आपने एक बार के लिए एक्स मान लिया, एंगल ए को आपने एक्स मान लिया, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 2x एंड ये आपको हो जाएगा 3x। तभी तो इनका रेशियो x रेशियो 2x रेशियो 3x 1:2:3 आएगा, है ना। जब भी चीजें रेशियो में दे रखी हो तो आप उस रेशियो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो एंगल ए हो गया आपका x, ये वाला ये हो गया आपका 2x, ये हो गया आपका 3x। अब देखो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है हर ट्रायंगल के अंदर, तो x प्लस 2x प्लस 3x इसकी वैल्यू आ गई 180 डिग्री। अभी हम डिग्री टर्म्स में बात कर रहे हैं, उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री, है ना। x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो एंगल ए, एंगल ए आपका कितना आ गया 30 डिग्री, एंगल बी आ गया आपका 60 डिग्री, एंगल सी आ गया आपका 90 डिग्री, है ना। तीनों एंगल हमने डिग्री में जो निकाली, उसके बाद रेडियन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। क्या करते हो आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू पाई अपॉन 180, 30 इंटू पाई अपॉन 180, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 6। सिमिलरली यहां पे 60 इंटू पाई अपॉन 180 कितना हो जाएगा 3 पे कैंसिल होगा पाई अपॉन 3। अदरवाइज भी आपको पता है 1:2:3 में है, आपने एक एंगल निकाल लिया पाई बाई 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 3 एंगल दिया जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 2, तो ये आपका एंगल हो जाएगा सी एंगल पाई बाई 2, है ना। तो इस तरीके से आप तीनों एंगल निकाल सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 मीटर इज कट एंड बेंट इन द शेप ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 40 मीटर। देखो इस लाइन का क्या मतलब है, एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है इस तरीके से जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 40 मीटर, इसकी रेडियस है 40 मीटर, इसकी रेडियस है 40 मीटर। एक सर्कुलर वायर है 3 मीटर रेडियस की, ठीक है, एक सर्कुलर वायर है 3 मीटर रेडियस की कुछ इस तरीके से, इसकी रेडियस है 3 मीटर। तो क्या किया, इस सर्कुलर वायर को थोड़ा सीधा किया, एंड सीधा करने के बाद अगर आप इसको सीधा करोगे तो इस तरीके की आ जाएगी, ना, अगर आप इसको खोल दोगे एक साइड से तो इस तरीके की वायर आ जाएगी। अब इस वायर को इस सर्कल पे लपेट दिया, इस वायर को इस सर्कल पे ऐसे लपेट दिया, मान लो ये यहां से यहां तक आया, है ना, इस वायर को इस सर्कल पे लपेट दिया। फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अब ये वाली जो वायर है इस सर्कल के सेंटर पे, इस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी वो आपको निकालना है।
आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, एक सर्कुलर वायर है 3 मीटर उसकी रेडियस है, ये है वो सर्कुलर वायर 3 मीटर की रेडियस है। यहां भी मान लो जॉइंट लगा, अपने खोद दिया इसको एक स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो स्ट्रेट वायर है उसको हमने एक बड़ा सर्कल है 40 मीटर रेडियस का, उसके सर्कमफेरेंस पे ऐसे लपेट दिया, उसके सर्कमफेरेंस पे ऐसे गिरा दिया। अब वो जो वायर है जो हमने 3 मीटर वाले सर्कल की वायर खोली थी, वो इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी ये आपको निकालना है। एक बार वीडियो पॉज करो, आप तो सोचो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये जो सर्कल है 3 मीटर जिसकी रेडियस, आप इसकी सर्कमफेरेंस निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको खोलोगे तो ये वाली जो लेंथ आएगी, ये वाली जो लेंथ आएगी वो इसकी सर्कमफेरेंस ही है। इसकी सर्कमफेरेंस कितनी आएगी, 2π into r, r कितनी है 3, इसका मतलब इसकी सर्कमफेरेंस आ गई 6π। इसका मतलब ये जो वायर है ये ऐसे स्ट्रेट हो गई, कितनी लेंथ की बन गई, इसे स्ट्रेट हो गए 6π लेंथ की बन गई। इसका मतलब ये जो लेंथ है r की लेंथ है ये 6π है, ये 6π है। अच्छा ये रेडियस आपको पता है, ये रेडियस आपको पता है 40 मीटर है, ये रेडियस आपको पता है 40 मीटर है। अब आपको एल पता है, आर पता है, आपको थीटा निकालना है। तो बहुत सिंपल सी फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। आप वैल्यू रखो, सारी एल की वैल्यू कितनी है 6π और आर की वैल्यू कितनी है 40, है ना। इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे, पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 22/7 लिखोगे 40, है ना। तो ये आपका जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका रेडियन में आएगा। अगर आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इनटू 180/π करके आप उसको इजीली डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप इसके बाद आप खुद सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन था थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, सिंपल था, ऑल्दो आप इसके अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट में मार्क खा सकते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। एक सिंपल सा और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन और उसके एक्सटर्नल इंटीरियर एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी दे रखी बुक में, वो करवा देता हूँ एंड ऑफ इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड टू पॉलीगन, देखो पॉलीगन एक क्लोज्ड शेप होती है विद एन नंबर ऑफ साइड्स, एन साइडेड पॉलीगन। जैसे ट्रायंगल क्या है, एक 3-sided पॉलीगन है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती है, क्लोज्ड शेप होती है। क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है, एक 4-sided पॉलीगन है। पॉलीगन उस पूरी कैटेगरी का नाम है, उसके अंदर सब कैटेगरीज है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन एंड सो ऑन, है ना। तो पॉलीगन का मतलब कोई भी एन साइडेड आपका क्लोज शेप। अब पॉलीगन से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई भी आप पॉलीगन ले लो, यहां पे आपको कन्वेक्स पॉलीगन लेना है, इसका डिटेल में मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। कन्वेक्स पॉलीगन मतलब उसका कोई भी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपका पॉलीगन कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपने पॉलीगन इस तरीके से ले लिया ना, जिसकी शेप एक अंदर चलेगी, तो ये आपका कंकेव पॉलीगन हो गया, क्योंकि इसके अंदर ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज्यादा। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम हमेशा कन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं अपने लेवल के मैच में। तो किसी भी कन्वेक्स पॉलीगन में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या है, जैसे आपको ट्रायंगल में पता है, अगर मान लो ये वाली साइड को आपने एक्सटेंड कर दिया तो इन दोनों के बीच एंगल बना ना, ये वाला एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल। और सिमिलरली यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला, इन तीनों का सम हमेशा 360 डिग्री आएगा, चाहे कितनी भी साइड का पॉलीगन हो, 3 का हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली प्रॉपर्टी आप नोट कर लो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज
360 डिग्री। अब देखो पॉलीगन के अंदर n साइड है, n साइड है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, क्योंकि सारी साइड यहां पे रेगुलर है, हम जो भी बात कर रहे हैं वो रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उस पॉलीगन की हर साइड बराबर है। ट्रायंगल में ऐसा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा क्या होगा, स्क्वायर, जिसकी सारी साइड बराबर होती है। तो हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सारी साइड इक्वल होती है, ईच एक्सटीरियर एंगल। अब सारी साइड इक्वल है तो सारे एंगल बाहर वाले बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एन, सबका सम 360 डिग्री है, हर एक साइड के साथ एक एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो जितनी साइड होगी उतना ही एक्सटीरियर एंगल बनेगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी 360 अपॉन एन, 360 डिग्री अपॉन एन। अब मान लो आपको एक्सटीरियर एंगल पता चल गया तो इंटीरियर एंगल भी पता लगा सकते हैं, ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस 360 अपॉन एन। आप 180 में से ये आपका टोटल 180, ये आपका है 360 अपॉन एन, तो 180 में से 360 अपॉन एन अगर आप घटा दोगे तो आपको हर एक इंटीरियर एंगल का पता चल जाएगा, है ना, आपको पॉलीगन के हर एक इंटीरियर एंगल का पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इरेगुलर पेंटागन, पेंटागन मतलब ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर पांच साइड हो, तो यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देंगे 180 माइनस 360 अपॉन 5, 360 अपॉन 5 आपका होता है 72, 180 माइनस 72 108। तो पेंटागन के हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 108 डिग्री होती है। इंटीरियर एंगल मतलब आपको बता देता हूं, बना के ये आपका पेंटागन है, तो ये हर एक एंगल, ये सारे एंगल आपके 108 डिग्री के मिलेंगे, अगर प्रॉपर फिगर होगा तो ये आपको 108 डिग्री इजीली दिख जाएगा, 90 से ज्यादा होगा डेफिनेटली, क्योंकि 90 आपका किस में आएगा, 90 आपका आएगा क्वाड्रिलेटरल में, ना स्क्वायर में आएगा, पेंटागन में उससे ज्यादा होगा। जैसे आप साइड बढ़ाते जाएंगे आपको पता है आपका इंटीरियर एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हेक्सागन के अंदर कितना होगा, अगर मान लो आपको कोई हेक्सागन है इस तरीके से, तो हेक्सागन के अंदर होगा 180 माइनस 360 अपॉन 6, यह आ जाएगा 60, 180 माइनस 60 120 डिग्री, है ना, यहाँ पे 108 था। जैसे जैसे साइड बढ़ाते जाओगे आपका इंटीरियर एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, इसके ऊपर आपको वीडियोस पसंद आई है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके फ्रेंड्स में भी जो इस अच्छे कंटेंट का फायदा उठाने चाहते हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद अगर एलिमेंट्स बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट कर सकते हैं, वहां से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।